everyone, welcome back to our channel and welcome back to today's video. So आज है 4th of July, which is the Independence Day in US, and हम लोग बाहर जा रहे हैं fireworks देखने. So we are going with our friend. So US में ना 4th of July is celebrated at a very, क्या बोलूँ, large scale. So यहाँ पे काफ़ी सारी जगह फायरवर्क्स होते हैं. हमारी आसपास काफ़ी सारे मल्टीपल फायरवर्क्स हो रहे हैं. एंड न्यूयॉर्क का फायरवर्क एक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट कंसिडरिंग कि अभी वो दूर हो जाएगा, वी माइट नॉट गो देयर. सो वी आर गोइंग टू गो समवेयर अराउंड एंड मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ. अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, एटलीस्ट मुझे एकदम 100% नहीं पता है कि कौन से एरिया में हम जाने वाले हैं, बट वो पता चल जाएगा एज वी गो अहेड इन दिस ब्लॉग. आई एम ऑल रेडी. अभी मेरा OOTD अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट यस, मैंने काफ़ी कंफर्टेबल जीन्स एंड टॉप डाल दिया है एंड आई एम ऑल रेडी. एंड वी आर वेटिंग कि हमारे फ्रेंड्स आएंगे एंड हम लोग फिर निकलेंगे. अभी 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, इट्स 5:55 एंड काफ़ी ज़्यादा उजाला है यहाँ पे. मोस्टली 8 बजे तक रोशनी रहती ही है, तो फायरवर्क्स और लेट होगा, तो आई एम थिंकिंग कि अराउंड 8, 8:30, 9 बजे तक प्रॉबली होगा. आई एम नॉट श्योर, वो भी मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चलेगा. सो लेट्स गो. सो हमारे फ्रेंड्स को भी थोड़ा टाइम है, तो उतनी देर में हम फटाक से भेल बना रहे. ये मैंने मिक्सचर ऑलरेडी बना के रखा था, सो जब भी ऐसे एकदम तुरंत भूख लगती है, कुछ भी नहीं होता, तो वी जस्ट ईट इट. अभी मैं कुक विद मेहताज कर रही हूँ. कुक विद मेहताज भेल में जरूरी है. पापड़ी टेस्ट करके. अच्छा, तो व्हेन वी वर इन इंडिया हम इतना नहीं खाते थे ऑनेस्टली, बट कहते हैं ना कि जब आप दूर आ जाते हो तो आपको सब कुछ के लिए आ जाता है. चिराग तो पर्सनली नहीं खाता था, उसको तो ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं था ऐसे बाहर का, बट यहाँ के तो चलो रेडी हो गया है. वी विल ईट एंड फिर हम लोग निकलेंगे. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So we have come to Walmart. हम लोग को थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी. अभी मैं शू सेक्शन में आ गई हूँ, बिकॉज मुझे एक फरी स्लीपर भी देखनी है. सो वी विल चेक दैट एंड फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर. यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही $15-20 के हैं एंड मैंने ऑनलाइन एक अमेजोन से शॉर्टलिस्ट कर रखी है, वो मेरे को $5 में मिल रही है. सो आई थिंक प्रॉब्ली मैं वही लूँगी, क्योंकि घर के अंदर ही पहनना है एंड उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी. सो गाइज, वी हैव कम टू ईस्ट ब्रंसविक कम्युनिटी सेंटर का फायरवर्क्स देखने. एंड अभी ऐसा बता रहा है कि 1 घंटे में बारिश होने वाली है, एंड जब हमारा फायरवर्क्स का टाइम है उसके 10-15 मिनट पहले, तो ऐसा मैंने सुना जस्ट हमारे फ्रेंड से कि अगर यहाँ बारिश होती है तो कैंसिल हो जाता है सब कुछ. सो लेट्स होप कि ऐसा ना हो, वरना पचका हो जाएगा थोड़ा. बट अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे भी एंड इट्स अ लॉट ऑफ लाइक क्राउड. तो अंदर जाके देखते हैं क्या है, कैसा सेटअप है. जब फायरवर्क्स होंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको फायरवर्क्स कैसे लगते हैं अगर हमें देखने मिले तो. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
आप लोग ने देखा फायरवर्क्स, सो मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि 5% ब्यूटी भी कैप्चर नहीं हो पाती है कैमरा में जितना नेकेड आइज से दिखता है। काफ़ी अच्छा था एंड मौसम ने भी साथ दिया। आपको कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है तो चिराग पीछे काम कर रहा है। तो मौसम ने भी साथ दिया एंड जब हम वहाँ पे थे एंड फायरवर्क्स चल रहे थे तो बारिश नहीं हुई। जब हम निकले तो बारिश डेफिनेटली हो गई, बट ठीक है, मतलब हमारा जो फायरवर्क सेशन था वो ख़राब नहीं हुआ। ऑन द वे वी हैड पिज्ज़ा। यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है तो एक दो आउटलेट ही खुले थे, पापा जोन्स वॉज वन ऑफ देम। सो पिज्ज़ा वॉज गुड, अच्छा था, हम लोग ने गरम गरम ही खा लिया। वी शॉप द लिटिल फ्रॉम वॉलमार्ट। ओवरऑल इट वॉज अ गुड डे स्पेंड। हम लोग ईस्ट ब्रंसविक वाले फायर वर्क्स देखने गए थे एंड वी गॉट अ रियली गुड स्पॉट। वहाँ पे काफ़ी लोग थे, भीड़ थी, बट इट डिड नॉट फील कंजेस्टेड क्योंकि वो काफ़ी वाइड स्प्रेड एरिया था एंड हमको एक अच्छा सा स्पॉट मिल गया था एंड हम अपनी कैंपिंग चेयर्स डाल के बैठ गए थे। देर इज़ वन मोर जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज़ मेसीज का फायर वर्क, दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, बट वो बहुत क्राउडेड होता है। सो वी जस्ट थॉट कि यहाँ से वहाँ तक ड्राइव करके जाना है एंड देन इतना क्राउड एंड इतना धक्के और भीड़ भीड़ में देखने से बेटर है कि यहाँ का ही देख लें। सो यस, ओवरऑल अ रियली गुड एक्सपीरियंस। ऑल्सो ऑल ऑफ दिस इज फ्री इन जस्ट इन केस यू आर न्यू टू US और जस्ट इन केस आपको ऐसे ही पता करना हो तो हमको कोई भी पार्किंग चार्ज या फिर फायरवर्क फायरवर्क देखने का कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लगा है। सो यार दैट इज़ इट, आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस डे विद अस एंड आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।